हरियाणा में वोटिंग से पहले घमासान तेज हो गया है। आज योगी आदित्यनाथ हरियाणा में धुआंधार रैली कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी ज्वाइंट रैली हुई। राहुल प्रियंका की हरियाणा में विजय संकल्प रैली के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस में इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों के बीच मान मनोवल की कोशिश की जा रही है। दोनों ही नेता सीएम पद को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। इस बीच आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ अपने हाथों से पकड़कर मिलवाया। बता दें कि नारायणगढ़ की रैली समाप्त होने के बाद सभी नेताओं ने एक साथ हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। इस दौरान कुमारी शैलजा राहुल गांधी की तरफ खड़ी थी और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तभी राहुल गांधी ने पीछे हटते हुए दोनों नेताओं का हाथ मिला दिया। इस दौरान जनता ने जमकर तालियां बजाई। हालांकि दोनों ही नेताओं के जो हाव भाव थे उससे साफ जाहिर होता है कि इसके लिए ना तो हुड्डा तैयार थे और ना ही शैलजा। चूंकि ये काम राहुल गांधी ने किया तो दोनों ने बिना किसी झिझक के हाथ मिला लिए। फिलहाल इस मामले पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।